क्या कभी आप सोच सकते हैं कि किसी पर दोस्ती इतनी भारी पड़ सकती है कि वे उसकी जान ही ले ले। एक ऐसी दोस्ती जिससे युवक की जान ही चली गई। ऐसी चौंका देने वाली घटना है गांव सारंग बासने की, जहां हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस खौफ और चौंकाने वाली घटना से आज हर कोई हैरान है। एक 17 साल का युवक जिसने हाल ही में नीट क्लियर किया है, युवक का नाम है संतोष कुमार केसरी, मधुबनी के एक छोटे से गांव सारंग बासनी का निवासी। उसके पिता उमेश कुमार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के रूप में अमृतसर में काम कर रहे थे। उमेश का सपना था कि उनका बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए संतोष ने कोटा के कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी करना शुरू किया था। लेकिन उसके पिता का सपना सच होने से पहले ही टूट गया, और इसकी वजह है उनके बेटे की एक दोस्ती जिसने संतोष की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। युवक के पिता ने बताया कि बेटा 5 साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था, फाइनल में अच्छा स्कोर भी बनाया था। 7 मई को बेटे से बात हुई थी, उसने कहा था कि वह घूमने जा रहा है, और 8 मई को ड्यूटी खत्म होने के बाद मिली पिता को बुरी खबर। पिता को खबर सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। संतोष अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। यह कहानी शुरू कहां से हुई उसके बारे में आपको बताते हैं। एक दिन संतोष ने सोशल मीडिया पर एक नई दोस्ती की शुरुआत की। धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ी, और इसी के चलते युवती पर भरोसा करके संतोष उससे मिलने चला गया। लेकिन क्या पता था उसके लिए यह कदम इतना खतरनाक साबित हो सकता है। संतोष अपनी सोशल मीडिया फ्रेंड से मिलने मेड़ता सिटी नागौर जिले में गया। अपनी सोशल मीडिया दोस्त को उसके घर खुद की नीट क्लियर करने की खुशियां साझा करने गया था। लेकिन इस दौरान युवती के परिजनों को यह बात पता चल गई, और उन्होंने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। संतोष पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। संतोष की हालत देख युवती के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के पिता उमेश कुमार को सूचना दी, जिसके बाद वो मेड़ता थाने पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। इस घटना को लेकर संतोष के पिता ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। बेटा नीट एग्जाम दे करके 5 तारीख को एग्जाम हुई थी, उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, अच्छा मार्क गया है, तो घूरने के लिए 6 तारीख को निकला। इसकी सूचना हमको दिया गया था कि मैं नागौर जा रहा हूँ घूरने के लिए। मैं पूछा कि बेटा नागौर में है क्या, जाना है तो कहीं दार्शनिक जगह जाओ। तो कहता नहीं पापा, दोस्त दुस्त है तो वही घूमेंगे। 6 तारीख को निकला। 7 तारीख को शाम को 4 बजे का 9 नंबर से कॉल आया, वो कहता है मेरा नाम आयुष है, मैं संतोष जी के साथ हूँ, तो मैं बहुत थक गया हूँ अंकल, तो आज रहने का इजाज़त दिया जाए। तो जब उतना दूर चल ही गए हो तो रह लो, थक गए हो तो। लास्ट बात हमसे ये हुई, कल जब मेरी ड्यूटी 9 से 17 हुआ करते हैं स्टेशन पर, वहाँ अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपने घर गए, तो लगभग 1.5 घंटा के बाद मेड़ता सिटी पुलिस का फोन आया और हमसे बायोडाटा लेने लगा। आपका नाम क्या है, बेटा का नाम क्या है, घर कहाँ हुआ, जाति क्या है, कब से रहता है कोटा में। तो मुझे रहा नहीं गया, मैं पूछा, मैं सारे चीज़ का जवाब दिया। मैं कहा सर आप बताइए हुआ है क्या, तो डायरेक्ट हमको कह दिया आपके बेटा का मर्डर हो गया है, तो आप आइए डेड बॉडी ले जाइए। फिर वो कुछ पूछने लगा, मुझे हिम्मत नहीं हुआ, मैं कहा सर मैं आपसे बात अब नहीं कर पाऊँगा। तो वो एक नंबर लिखा दिया, जब भी आना हो उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। यहाँ आए तो पता चला है कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर किसी गांव में गया था घूरने के लिए,
इसी के घर गया था, उसी घर के लोग मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा है। वो व्यक्ति अरेस्ट भी है, थाना में अभी रखे हुए है। बाकी राजस्थान प्रशासन जो करे उन लोगों को छोड़ दे, मैं तो राजस्थान सरकार या राजस्थान प्रशासन से अपील करूंगा कि दोषी को फांसी की सजा मिले, मेरे बेटे को उचित न्याय मिले, ताकि मेरे बेटा को आत्मा का शांति मिले। इसमें संतोष का सिर्फ इतना ही कसूर था कि वह अपने दोस्त से खुशियां बांटने गया था, लेकिन उसकी यह दोस्ती इतनी भारी पड़ जाएगी कि उसके दोस्त ने उस मासूम की जान ही चली जाएगी। युवक 17 साल का और युवती 16 साल की। युवक को अपनी सोशल मीडिया फ्रेंड से मिलना भारी पड़ गया। पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का भी बयान सामने आया है, आइए सुनाते हैं आपको भी क्या कुछ कहा। जिसका नाम संतोष कुमार था, वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था कोटा में, और बिहार का रहने वाला था, मधुबनी का। वो अपने किसी फेसबुक फ्रेंड थी लड़की, उससे मिलने आया था संगावास के पास गांव में। लड़की के घर वालों को पता लग गया और उन्होंने इसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट से लड़का घायल हो गया अंदर से, और उसको परिजनों के द्वारा ये हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, लड़की के परिजनों द्वारा, और उसकी डेथ हो गई। इस बाबत लड़के के पिता उमेश कुमार ने थाने पर रिपोर्ट दी है, और लड़की के परिवारजनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी। सर कल ही लड़का आया था या उससे पहले आया था? ये नहीं, हमें कल ही आने का भी पता लगा कि कल ही आया था लड़का। आगे अनुसंधान से और जांच करेंगे कि कब लड़का यहाँ पहले भी कभी आया था क्या। सर ये दोनों आपस में दोस्त थे या फिर फेसबुक से ही दोस्ती हुई? इनका सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई, लड़का पहले नहीं आया हुआ अभी तक के अनुसंधान। और लड़की क्या कर रही है? वो की नाबालिग है, उसकी पहचान ज्यादा उजागर नहीं कर सकते हम, यहीं की रहने वाली है, मेहता के पास ही सोगावास। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि परिवार वाले थोड़ी समझदारी दिखाकर, दोनों को समझाकर इस मामले को वहीं खत्म कर सकते थे, जिससे यह घटना का रुख कुछ और भी हो सकता था, वही संतोष भी जीवित होता। युवक और युवती दोनों ही नाबालिग थे, क्या परिवार वाले समझदारी नहीं दिखा सकते थे? अब सबके मन में यही सवाल आ रहा है। संतोष को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसकी जान ही चली गई थी, लेकिन क्या आज के समय में दोस्ती करना और उससे मिलने जाना इतना गलत है कि किसी की जान ही ले ली जाए? अब आप बताइए, क्या वाकई दोस्ती करना इतना भारी पड़ सकता है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।